हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष पाल और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी वे में। आज हम देखेंगे मोशन, स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और जानेंगे उनके आंसर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहला है क्वेश्चन हमारे पास, यदि कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और 5 सेकंड के बाद उस पर ब्रेक लगा दिया जाता है तो उस कार पर आरोपित मंदन क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है। तो उस पर आरोपित मंदन हमको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो हो जाएगी आपकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, हमको SI यूनिट का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। SI यूनिट में क्या होगा, आपको देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में होता है और मीटर पर सेकंड में होता है। तो यहाँ पे सारी यूनिट काय में आएगी, मीटर पर सेकंड में, और हमारे पास ये काय में है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम इसको चेंज करेंगे और मीटर पर सेकंड में, तो कैसे करेंगे, 72 × 5/18, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जो वी है, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी जो है हमारे पास वो 0 मीटर प्रति सेकेंड है। टी 5 सेकेंड है, एक्सेलरेशन निकालना है। और एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, ए क्या होता है दोस्तों, ए ऑलवेज क्या होता है हमारा, देखिए ए होता है ए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टी होता है। ठीक है, सॉरी ये 5 लिख गया है, तो टी होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 − 20/5, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या, जो माइनस की वैल्यू आई है, ये माइनस क्या दर्शा रहा है, ये मंदन को दर्शा रहा है। मंदन मतलब आपकी स्पीड क्या हो रही है, वेग क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, रिटार्डेशन। ठीक है दोस्तों, होपफुली आपको समझ आएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ कर 5 सेकंड के लिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलती है, 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग और विस्थापन ज्ञात करें। ठीक है, तो 5 सेकंड बाद क्या होगा, देखिए u बराबर से क्या हो जाएगा आपका, इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड, टाइम दिया है 5 सेकंड, ए दिया है आपका 2 मीटर पर सेकंड, वी निकालना है। तो वी कैसे निकालते हैं, आपको पता ही है कि मैंने वेग का आपको बताया ही हुआ है। यह है गति की पहली इक्वेशन, वी बराबर से यू प्लस ए टी। तो यू तो शून्य है, तो शून्य का 0 रखिए, प्लस 2 × 5, तो वी बराबर से क्या आ जाएगा, वी बराबर से आएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 10 मीटर। अब वी आ गया, अब हमको निकालना क्या है, दूरी। तो दूरी को किस तरह ज्ञात किया जाता है, एस बराबर से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यू का मान तो शून्य है, तो इससे कोई भी गुणा करेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म तो शून्य आ जाने वाली। अब ये क्या है, 1/2 × 2 × 5, मतलब कि ये हो जाएगा, आंसर आएगा 25 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति आवर से 25 किलोमीटर प्रति आवर तक बदल रही है तो इसका त्वरण क्या होगा। अब देखिए, कितने से 10 सेकंड में 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, तो आपको पता है एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास होता है v − u / t। तो v कितना है आपका, फाइनल वेलोसिटी 50 − 20/10, तो ये 30/10, तो आपका एक्सेलरेशन काय में आ गया है, आपका एक्सेलरेशन आया 3 किलोमीटर पर आर में। अब ये जो पर आर में आया है, इसको काय में कन्वर्ट करना है, एक्सेलरेशन के यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, ए आके ए निकल चुका है। ठीक है, अब देखिए ए निकल चुका है हमारे फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th। एक मोटर कार जिसका द्रव्यमान 1200 केजी है और 72 किलोग्राम पर आर के वेग से चल रही है, उसे ब्रेक लगाकर 50 मीटर में विराम अवस्था में ला दिया जाता है, मंदन बल क्या होगा। अब उसमें हमने क्या मंदन बल लगाया है ताकि उसकी जो स्पीड है 80 मिनट में विराम अवस्था में आ गई है। तो देखिए, मास गिवन डेटा सबसे पहले लिख लेना जरूरी होता है किसी भी न्यूमेरिकल के लिए। तो मास की वैल्यू हमारे पास आई है 1200 केजी। ठीक है, जो हमारा u है वो 72 किलोमीटर पर आर है,
फिर इसको मीटर में बदल देंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है? शून्य है। टाइम दिया है 80 मिनट है, तो इसको गुणा 60 से करेंगे तो सेकंड में आ गया। फिर यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला लगा दिया है। क्या होता है एक्सेलरेशन? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो ये लगा दिया तो ये माइनस का आया 120 व एक दशमलव सॉरी 1/240। माइनस साइन क्या दर्शा रहा है? ये इसमें मंदन हो रहा है। अब देखिए न्यूटन के सेकंड नियम से एफ इक्वल्स टू एम ए होता है। अब एम ए होता है तो यहाँ से एक्सेलरेशन, मास और फोर्स तीनों चीज ज्ञात की जा सकती है। हमको ज्ञात करना है फोर्स, तो हमारा मास कितना है 1200 kg, गुणा में किया 1/40 तो आया 5। वो 5 फोर्स की यूनिट है न्यूटन, इसलिए हमने न्यूटन में आंसर दिया। तो आंसर कितना हो गया? 5 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है। दो कण पी और क्यू एक बिंदु ए से 15 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक ही दिशा में गुजरते हैं, पर उनका त्वरण अलग अलग है। जब पी क्यू के साथ बिंदु बी पर आता है तो पी का वेग 30 मीटर पर सेकेंड है और बिंदु बी पर उस समय क्यू का क्या वेग होगा? तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए जब समय समान हो तो क्या करना है आपको? V2 माइनस U2 कर दीजिए। तो देखिए गिवन डेटा लिख देते हैं, पी का प्रारंभिक वेग U1 15 मीटर पर सेकेंड, क्यू का प्रारंभिक वेग U2 20 मीटर पर सेकेंड, पी का अंतिम वेग V1 30 मीटर पर सेकेंड और क्यू का अंतिम वेग हमको ज्ञात करना है। फॉर्मूले में मान पुट कर दीजिए, 30-15 और x-20 तो ये आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ आया होगा दोस्तों उम्मीद के मुताबिक। देखिए अब यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन लिया है। देखिए निम्न चित्र में अगर कोई पिंड दो सही 1/2 चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन का मान ज्ञात करें। तो दूरी होगा, देखिए दूरी क्या होता है? अभी किसी भी सर्कल की ये वाली दूरी है ना, तो ये आउटर की दूरी कैसे नापते हैं? क्षेत्रफल नहीं, ये आउटर की परिधि। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। और कितने चक्कर लगा रहा है? 2.5 चक्कर, ये दो सही 1/2। तो कितना इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा? 110 मीटर। और विस्थापन कितना आ जाएगा? 2.5 चक्कर का। अब ये यहाँ से यहाँ देखो, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब वो जब यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँचा तो विस्थापन अपनी जगह से चल के वहीं वापस पहुँचना 0, फिर दूसरी बार में पहुँचा तो 0। अब यहाँ से यहाँ चल रहा है तो 7 और फिर यहाँ वापस इधर वापस पहुँचेगा तो 14। तो विस्थापन टोटल कितना होगा? आधी दूरी में इसका 14 मीटर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक वस्तु पर 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर इसका वेग होगा। तो इसका वेग क्या होगा? देखिए ऊपर फेंका तो क्या लगा? ऊपर क्या होता है, हम जी को क्या ऐसे कैलकुलेट करेंगे माइनस के साइन के साथ, तो जी बराबर से यू माइनस जी टी, तो यू बराबर से जी टी, तो टी का मान यू अपॉन जी, तो 50/10 मतलब 5 सेकेंड। अब टाइम आ गया, यू शून्य है तो वी कैसे निकालेंगे? फिर से न्यूटन का सेकेंड नियम लगा दीजिए। अब यहाँ पर गति का प्रथम समीकरण लगा दी, वी बराबर से यू प्लस जी टी, तो यहाँ पर 0+10 × 5, तो वी बराबर से आ गया आपका आंसर 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको दोस्तों देखो कि सोचना पड़ेगा क्वेश्चन में ना, बिना सोचे कुछ नहीं हो सकता है, सोचना ही पड़ेगा। और आपको करना कुछ नहीं है, 3 इक्वेशन याद कर लीजिए मोशन की। पहली जो होती है आपकी पहली होती है वी बराबर से यू प्लस एटी, दूसरी होती है एस बराबर से यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और अगली होती है वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे ग्राफिकल क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, दिए गए वेग समय ग्राफ से 12 सेकंड में वस्तु का विस्थापन ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए ये समय है और ये दूरी को दर्शा रहा है। ठीक है, थोड़ा लिख नहीं पाया हूँ मैं, तो देखिए ये समय है और ये दूरी को दर्शा रहा है। यू कितना है? इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम लिया है इसने 12 सेकेंड, पहुँचा कहाँ पे? 40। तो कैसे निकालेंगे? ए वी अपॉन में टी, ए बराबर से वी अपॉन में क्या आ जाएगा? ये टी। तो ये कैसा हो जाएगा? देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ पर वी बराबर से टी कितना हो? वी बटे में टी 40/10। तो ए का वैल्यू क्या आ गया आपका? एक्सेलरेशन कैसे आ गया? 10/3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे सेकेंड लॉ लगा दिए मोशन का, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ 0 × 12, तो पूरी टर्म ये 0 हो गई, प्लस 1/2 × 3, तो ये 3×4 कट गया। ठीक है, और ये 2×5 = 10 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 और ये 6×5, तो ये आ जाएगा आपका विस्थापन आ जाएगा 240 मीटर। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में अगर कोई चींटी ए से बी तक सफ़र तय करती है तो चींटी के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, ये डायग्राम आपका दिया है, तो टोटल दूरी कितनी हो रही है, देखो 3 + 4 3 + 4, ठीक है, 3 × 3 = 4, 2 बार है, तो ये टोटल दूरी 14 मीटर हो गई है। और विस्थापन किसको बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, तो हम h कैसे निकाल सकते हैं इसका, देखो h कैसे निकाल सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 3 का वर्ग, यहाँ पे हमने लगाया पाइथागोरस प्रमेय, तो ये क्या 9 25, तो ये एक कितना गया 5, ये 5, तो टोटल विस्थापन कितना है 10 मीटर का। अगला क्वेश्चन, दिए गए चाल समय ग्राफ में 10 सेकंड में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, ठीक है, तो देखिए वस्तु की दूरी कैसे है, दूरी दिया हुआ है यहाँ, समय दिया 5 सेकंड, 10 सेकंड में ये 100 मीटर, तो यहाँ पे देखो दूरी बटे समय, तो चाल गुणा समय, तो 100 × 10 किया तो दूरी टोटल कितना आ गया है 1000 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे इस सीरीज का ये लास्ट पार्ट था, ठीक है, मैंने इसमें सारे कुछ कवर कर दिया है न्यूमेरिकल्स को, जिसमें से मैंने इंक्लूड किया है आपके इस देखिए स्पीड के स्पीड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और मोशन से रिलेटेड ज़्यादातर मैंने न्यूमेरिकल्स को शामिल किया है। इससे अगर आप इतने न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है आपको कि आपका एक नंबर पेपर में कहीं नहीं गया, ठीक है दोस्तों। तो आप एक एक नंबर के लिए एग्ज़ाम देते हो और आपको एक एक टॉपिक से एक एक नंबर का ही आता है, ठीक है, तो आपको एक एक नंबर के ऊपर रिस्क लेना है और उस पर मेहनत करनी है और उसको अर्न करना है, ठीक है, आप बहाना नहीं चलेगा कि हम पेपर में ही देख लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, हम न्यूमेरिकल्स आने लगे हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स पे विशेष ध्यान देना है। अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।